नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टोरियल के इस नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे गोल्ड की वीकली प्राइस एनालिसिस के ऊपर। एक छोटा डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, ये वीडियो है गोल्ड की प्राइसेस रीड करना सीखने के लिए, न कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ कि आपको गोल्ड बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मेरी खुद की अभी कोई ओपन पोजिशन नहीं है गोल्ड पे, तो जो भी आप यहाँ पे सीखेंगे आप अपने रिस्क पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं कभी भी आपको कोई भी बाय और सेल सिग्नल नहीं दे रहा हूं। तो गोल्ड की प्राइसेस, जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में मैंने कहा था कि एक 1760 का लेवल है, 60-65 का, और एक नीचे में 1660 का लेवल है। ये दोनों ही लेवल के बीच में प्राइसेस रहेंगी, क्योंकि ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। तो आप देख रहे हैं प्राइसेस इसी के बीच में ऑसिलेट कर रही है, बार बार ऊपर नीचे जा रही है। मई महीने में ये जो हाई बना था 1765 का, ये 7 ईयर हाई बना था, जो अभी टेस्ट तो हो रहा है बट ब्रीच अभी भी नहीं हुआ है। नीचे के लेवल्स 3 बार टेस्ट किए गए हैं, लेकिन इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आगे की उम्मीद क्या है? आगे की उम्मीद हम समझेंगे वीडियो में आगे, जहां पर मैं आपको इंडियन प्राइस चार्ट भी दिखाऊंगा और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन प्राइसेस कहां जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स। तो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट क्या कर रहा है? गोल्ड की प्राइसेस को दो चीजें सपोर्ट कर रही है। यूएस में कोरोना वायरस के नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। अगर आप लास्ट 3-4 दिन का स्टॉक मार्केट का ट्रेड देखेंगे, लगातार मार्केट गिरा है। आज मंडे को मार्केट ने, यूएस के स्टॉक मार्केट ने सपोर्ट दिया है, बट फिर भी कोरोना का टेंशन अभी भी वहां पे बरकरार है। सेकेंड इशू जो मार्केट को दे रहा है वो दे रहा है डॉलर इंडेक्स। अब ये डॉलर इंडेक्स बीच में कहां से आया? तो आप देखिए ये प्राइसेस, आप देखिए ये नीचे की तरफ गई हैं और यहां से प्राइसेस ने रिबाउंड किया है। तो ये जो शार्प फॉल और शार्प राइज था, इसको आप ध्यान पे रखिए और मैं आपको सीधा लेके चलता हूं डॉलर इंडेक्स के चार्ट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स ने बहुत तेज अपमूव दिया था मार्च में, जितना तेज अपमूव था उतना ही तेज डाउनफॉल था। तो यही चीज मिरर की है ऑपोजिट डायरेक्शन में गोल्ड के केस में। पहले गोल्ड पूरा नीचे गिरा और फिर गोल्ड ने पूरी स्मार्ट रिकवरी दी थी। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स का करंट लेवल देखेंगे तो उसने अभी बॉटम बनाया है 96 के आसपास का, और यहां से जो प्राइसेस हैं हल्की ऊपर गई हैं बट फिर से एक डाउनफॉल आ रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स वापस नीचे की तरफ रुक करेगा तो ये गोल्ड को वापिस से सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो हुई करंट बात, अब हम कुछ क्रूशल लेवल्स देख लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो लेवल्स हैं ये है 1795 के आसपास का लेवल है, जो कि टेस्ट करना बाकी है राइट नाउ। और ये भी आपने 2013 में देखा था, ये आपने 2013 में देखा था राइट। इसके बाद में आप ये जो लेवल्स देख रहे हो ये 2011 में बने हैं, और ये जो है ये 1900 के लेवल्स हैं, 1900s के लेवल्स हैं, रादर 1900 से ऊपर के लेवल्स हैं। तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि अब हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली मेरे से बात करेंगे तो मुझे राइट नाउ लॉन्ग टर्म में आई एम क्वाइट बुलिश ऑन गोल्ड, बट शॉर्ट टर्म पे मुझे लग रहा है ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये प्ले आउट करना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा जब तक ये डिसाइसिवली 1775 क्रॉस ना कर दे, उसके पहले अपना बाइंग का मन बनाने के लिए। मैं वेट करना ज्यादा पसंद करूंगा कि इस लेवल पे बुल्स और बियर्स की लड़ाई कैसे चलती है। अगर ये लेवल्स कंक्लूसिवली ब्रीच कर गए तो ये अच्छा खासा ऊपर देगा। पहले आपको 1795 एंड बाद में ये 1900s तक भी आपको दिख सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो वापिस से आप देखेंगे ये लेवल्स, ये मंथली में आप देख रहे हैं ये लेवल्स को सस्टेन करना चाहिए। तो 1660 के लेवल को इसको सस्टेन करना चाहिए।
तो मेरे को अब दो लेवल्स मिल चुके हैं। ऊपर मैं बाय करने का वेट करूंगा, और अगर नीचे जाता है, देखिए पर्सनली मैं गोल्ड अभी बेचने के मूड में हूं ही नहीं, बट फिर भी नीचे अगर जाता है तो आप 1660 तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मेरे कॉशियस रहने का कारण है, अगर आप आरएसआई देखेंगे तो थोड़ा हायर साइड में है। इसके पहले भी जब दो बार आरएसआई ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद में आपने देखा है कि प्राइजेस नीचे आए हैं, तो अभी भी ये उस जोन पे चल रहा है। लेकिन मैकडी आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट दे रहा है, तो कंफ्यूजिंग सिग्नल है, इसलिए मैं वेट करना पसंद करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंडियन चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो अब अगर हम इंडियन चार्ट्स में आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट अपने सपोर्ट जो कि 45,000 है, और जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 48,000 का, उसे पूरा पूरा सम्मान दे रहा है। गोल्ड अभी भी अपने रेजिस्टेंस पे है जो कि इसने मई के महीने में बनाया था, और अगर आप ये पैटर्न्स देखेंगे तो ये पैटर्न एंटायरली मिमिक कर रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट पे हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपका जो आरएसआई है थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहा है, और आपको मैकडी ने एक छोटा सा ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक अनचार्टेड टेरिटरी में घुसेंगे जैसे ही ये 48,000 ब्रेक करता है, और अगर ये इसके ऊपर में सस्टेन करता है तब आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं एज पर चार्ट्स। ये रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा, मैं आपको चार्ट्स रीड करना सिखा रहा हूँ या गोल्ड के प्राइसेस को देखना सिखा रहा हूँ। और अगर ये प्राइसेस नीचे आते हैं तो क्रूशल लेवल्स होंगे जो कि आपके बनेंगे 47,000 के लेवल पे, 46,000 के लेवल पे, और फाइनली 45,000 के लेवल्स पे। तो ये लेवल्स पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना और फिर ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है आपके लिए, बट इसे आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप जितना सीरियसली स्टॉक मार्केट को लेते हैं, आपको उतना सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। इसको रीड करने के नियम थोड़े से अलग होते हैं, उसे आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो मेरी कोशिश होगी मैं बीच बीच में और आपके लिए एनालिसिस ला आपके सामने ला।